हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको लॉकडाउन स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा आप देख रहे हो, ये भुजिया है फ्रेंड्स, ये आलू भुजिया है। अभी कोरोना के समय हम बाहर से कोई भी चीज़ ला नहीं सकते फ्रेंड्स, इसलिए आपको मैं घर पर आलू भुजिया बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये देखो हमारा भुजिया कितना कुरकुरा हुआ है, ये आवाज सुनाई दे रहा होगा आपका, बहुत ही खास्ता और कुरकुरा हुआ है फ्रेंड्स। ये हमने पतला बनाया है और ये मोटा वाला बनाया है फ्रेंड्स। देखो ये भी कितना अच्छा कुरकुरा हुआ है, ये आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह ये टूट रहा है खट से, मतलब ये काफी अच्छा कुरकुरा हुआ है फ्रेंड्स। और ये हमने कंटेनर में रखा है फ्रेंड्स, इसे बनाकर आप कई महीनों तक कंटेनर में रख सकते हो फ्रेंड्स, जिसे आप भेलपूरी चाट वगैरह में अपने पसंद के अनुसार यूज कर सकते हो। और ये चाय के लिए परफेक्ट है फ्रेंड्स, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप चाय के साथ क्या सर्व करें, आप इसे बना के रख लो और चाय और चाट भेलपूरी के साथ इसे आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कैसे बनेगा और इसमें किसकी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। जो जो सामग्री चाहिए वो मैं पहले आपको बता दूँ। ये हमने भरकर एक कटोरी आलू लिया है फ्रेंड्स। आलू को पहले हमने उबाल कर छील लिया और उसके बाद ग्रेट कर लिया है फ्रेंड्स। ग्रेट करके ये लगभग 3 बड़ा आलू है, 1 कटोरी आलू है। आप जितना बनाना चाहो उस माप उतना ले सकते हो फ्रेंड्स। हमने 1 कटोरी आलू ली है, उसके बाद जितना हमारा मात्रा आलू का है उतना ही हमने ये बेसन लिया है फ्रेंड्स। एक पूरा भरकर 1 कटोरी बेसन है, 1 कटोरी आलू और 1 कटोरी बेसन। और उसके अलावा ये हल्दी पाउडर है फ्रेंड्स, जो हमने 1/4 टीस्पून ली हूँ। ये नमक है जो टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करूंगी। ये लाल मिर्च पाउडर है फ्रेंड्स, लगभग 1 टीस्पून। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून फ्रेंड्स। और ये तेल है 1 बड़ा चम्मच। और ये हींग है जो मैं 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा ये हमारा मशीन है फ्रेंड्स, शेप बनाने वाला। इसमें तरह तरह की जालियां आती हैं, मोटी पतली जाली आप अपने अनुसार बना सकते हो। इससे इसको मैं सेव आलू भुजिया के लिए इस्तेमाल करूंगी इस मशीन का फ्रेंड्स। इसे मैं अंदर से अच्छे से तेल से ग्रीस कर ली हूँ। अब मैं बताती हूँ इसे बनाते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे फ्रेंड्स। बाउल में सबसे पहले मैं ये आलू डालूंगी फ्रेंड्स इस तरह, और ये बेसन डालूंगी। आलू हमारा ग्रेट किया हुआ और बेसन हमने छन्नी से छान लिया है। बेसन डालूंगी, उसके बाद ये हल्दी पाउडर डालूंगी, ये मिर्ची पाउडर डालूंगी, और ये हमारा जो गरम मसाला होममेड गरम मसाला है इसे डालूंगी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स नमक डालूंगी लगभग 1/2 टीस्पून, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो। और फिर इसमें से हींग डालूंगी फ्रेंड्स लगभग 1/4 चम्मच, बहुत थोड़ा सा, ये देखो इतना सा मैं डालूंगी हल्का सा। और इस सभी को क्या करूंगी फ्रेंड्स, मिक्स कर सॉफ्ट सा डो तैयार करूंगी। इसमें बेसन जो हमारा ज्यादा पानी नहीं पीता है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलू की जो नमी है फ्रेंड्स, इसी से ये गूंदा जाएगा हमारा, हमारा बेसन ज्यादा पानी नहीं लेता है। और इसे अच्छे से हम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा करार हो तो आप थोड़ा 1/2 चम्मच पानी डाल सकते हो, वरना जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा चिपचिपा सा आपको लगेगा गुनने के बाद, तो आप क्या करना, आप थोड़ा सा इसमें तेल डाल देना लगभग 1/2 टीस्पून के करीब, फिर इसे गुनना, हाथ में चिपकेगा नहीं फ्रेंड्स और अच्छे से ये गुना जाएगा। इस तरह एकदम सॉफ्ट सा हमारा ये डो लगभग तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब इसे क्या करेंगे, इसे ढककर और 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, इसलिए हाथ में आप तेल लगाकर इसे गुनना।
ये हमारा डो फटाफट बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे 15 मिनट छोड़ दूंगी रेस्ट के लिए। इसे ढक कर फ्रेंड्स हम इसको साइड कर देंगे। हाँ फ्रेंड्स, अब ये हमारा 15 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, और ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अब मैं इसे एक बार और मिक्स कर लूंगी, और मिक्स करने के पहले देखो हमने अपने हाथ में तेल लगा लिया है तभी इसको टच करना, नहीं तो हाथ में चिपक जाएगा फ्रेंड्स। और ये आलू जो हमारा ग्रेट किया हुआ है आप ग्रेट जरूर कर लेना, तभी ये बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं इसका दो पार्ट कर लूंगी इस तरह, और एक पार्ट को इसे हल्का सा लंबा कर लूंगी मशीन में डालने लायक, हल्का सा हाथ में तेल लगा के ही करना फ्रेंड्स। अब मैं मशीन लूंगी मैं, और इसमें हमने पतली वाली जाली डाल दी हूँ, ये देखो हमारी ये पतली वाली जाली है फ्रेंड्स। आप जिस साइज का बनाना चाहो उस साइज का आप बना सको, मोटा बनाना चाहो तो मोटा बना सको। और इसमें मैं ये डाल दूंगी अपना ये डो बेसन और आलू का, और फिर मैं इसे बंद कर लूंगी अच्छे से। अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, इसके लिए हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है, बिल्कुल तलने के लिए तैयार है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ये मिश्रण इसमें डालकर देखूंगी फ्रेंड्स कि ये तैयार गरम हुआ है कि नहीं, इसलिए इसमें डालेंगे। देखो अंदर से ऊपर आ गया तुरंत, मतलब हमारा तेल बिल्कुल गरम है। तो हम गैस को बिल्कुल कम कर लेंगे फ्रेंड्स, धीमी आँच पर ही इसको तलते हैं, और फिर मशीन का ढक्कन भी अच्छे से लॉक करके इसके धीरे धीरे तेल से ज्यादा दूर तक नहीं फ्रेंड्स, तेल को थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप इसको इस तरह निकालते जाओ, बस गोल गोल घुमाना है और इसे तलना है। ज्यादा ऊपर से नहीं करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा नजदीक से ही करेंगे। ये देखो एक बार में ज्यादा नहीं फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर इसे हटाकर इसको तल लेना है, और इसके धीमी आंच पर ही तलेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे। और एक साइड कलर आ जाए तो फिर इसको पलटेंगे, और देखो अभी बुलबुला सा इसमें निकल रहा है, जब ये एक साइड हो जाएगा तो बुलबुला बिल्कुल छोटा छोटा और कम हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, एक तरफ ये कलर आ चुका है हमारा, और फिर दूसरी तरफ भी इसे हम इसी तरह धीमी आंच पर सेक लेंगे। अगर हम तेज आंच करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा फ्रेंड्स, और हमारा कुरकुरा नहीं बनेगा, बहुत जल्दी नर्म पड़ जाएगा, इसीलिए इसे एकदम कम आंच पर तलते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। हाँ फ्रेंड्स, अब ये पलट चुकी हूँ, अभी फटाफट तैयार हो गया फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लगा। ये देखो हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह अपना किचन टावल पर, और ये बिल्कुल कुरकुरा है, अभी गर्म हो है फ्रेंड्स, और ऐसे ही फिर मैं और भी तल लूंगी, ये छोटा छोटा भी निकाल लूंगी फ्रेंड्स, और ऐसे ही फिर वापस मैं और भी तल लूंगी इस तरह, बस एक जगह नहीं गिराना है फ्रेंड्स, इसके चारों ओर घुमा घुमा के गिराना है, और धीरे धीरे ऊपर का फ्रेम भी घुमाना है, और एक बार में ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, और गैस एकदम कम, और इसे चाकू से इस तरह हटा देना, और ऐसे ही मैं और भी तल लूंगी। तो ये हमारा पतला वाला पूरा मैं तल ली हूँ फ्रेंड्स, ये लास्ट भी निकाल लेती हूँ। ये देखो हमारा पूरा तला गया। अब मैं इसमें थोड़ा मोटा वाला जाली से सेब बनाऊंगी फ्रेंड्स, भुजिया बनाऊंगी। हाँ फ्रेंड्स, तेल हमारा गरम है, और इसमें हमने ये मोटा वाला जाली लगा ली हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इस मोटे वाले जाली से बनाऊंगी, और गैस हमारा कम ही रहेगा, और उसी तरह मैं बनाऊंगी जैसा हमने पतला वाला बनाया था, और हल्का सा ऊपर से घुमाते जाऊंगी, और ये कर चारों ओर इसे घुमाते जाऊंगी, एक जगह नहीं घुमाऊंगी फ्रेंड्स, अपना फ्रेम को मैं चारों ओर घुमाऊंगी ताकि एक जगह न गिरे, और एक बार में ज़्यादा नहीं, फिर चाकू से इस तरह कट कर दूंगी, और गैस को एकदम जो लो था वो मीडियम और लो के बीच में रखेंगे फ्रेंड्स, मीडियम नहीं रखेंगे, मीडियम और लो के बीच में रखेंगे, ये थोड़ा मोटा है इसलिए, और एक साइड कलर आने के बाद इसको पलट देंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो हमारा एक साइड कलर आ गया है, और झाग भी बिल्कुल बंद हो गया है फ्रेंड्स, इसलिए मैं धीरे से इसे पलट लूंगी इस तरह, और ज़्यादा देर नहीं फ्रेंड्स, नहीं तो जलने का ज़्यादा चांस रहता है, और धीमी आंच को बिल्कुल कम कर दूंगी, और फिर ये जब दूसरे तरफ भी कलर आ जाएगा तो इसे निकाल लूंगी। हाँ फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ भी हमारा कलर आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है, और इसे भी मैं किचन टावल पर इस तरह निकाल लूंगी।
और बिल्कुल कुरकुरा बनता है फ्रेंड्स। और फिर ऐसे ही मैं और भी बना लूंगी। हाँ फ्रेंड्स, ये देखो हमारा दोनों तरह का भुजिया बनकर, आलू भुजिया बनकर तैयार हो गया। ये हमारा महीन वाला पतला वाला है, ये मोटा वाला है फ्रेंड्स। अब आपको दिखाती हूँ कितना कुरकुरा हुआ है फ्रेंड्स। ये देखो कितना अच्छा ये आवाज कर रहा है। ये देखो मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कितना अच्छा ये आवाज कर रहा है फ्रेंड्स, एकदम कुरकुरा हुआ है। आप इसे एक चाय के साथ खा सकते हो या फिर चाट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये पतला वाला भी देखो आपको कितना कुरकुरा हुआ है। ये देखो किस तरह ये आवाज आपको सुनाई दे रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कुरकुरा हुआ है और टेस्टी है फ्रेंड्स। आप इसे इस तरह के एयर टाइट डब्बा में रख सकते हो फ्रेंड्स, काफी दिन तक ये रहेगा, खराब नहीं होगा फ्रेंड्स। और इसे आप चाट वगैरह के लिए कभी भी, ये चाय के लिए परफेक्ट होता है फ्रेंड्स। अभी हम बाहर से नहीं ला सकते हैं, इसलिए आप इसे बनाकर कंटेनर में रख सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सर्व करने के पहले आप इस पर हल्का सा चाट मसाला डाल दो और आप इसे चाय के साथ अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो फ्रेंड्स। नहीं तो आप इस तरह कंटेनर में डालकर रख लो, बहुत दिन तक चलेगा। और जब भी आप चाट वगैरह बनाओ उसके ऊपर आप इसको डाल सकते हो फ्रेंड्स, भेलपूरी के ऊपर डाल सकते हो, अपने पसंद के अनुसार इसको यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। आप जरूर बनाना फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक्स कर देना और बनाकर बताना कि ये कैसा बना है। इसी के साथ वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।